हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा यहीं से वीडियो स्टार्ट करती हूं, तो उसका रीज़न ये है कि यहां पे मुझे कुछ लाइट अपने घर में बेहतर लगती है, जहां से मैं वीडियो स्टार्ट कर सकती हूं। तो जी, आज है हमारा होली थर्सडे और अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम है, और इसके बाद हमें तकरीबन 6:30 बजे शाम को चर्च जाना है, और हमने उसके लिए प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो लेकिन सुबह से, क्योंकि आजकल गैस नहीं आती है, तो हम सुबह से वेट कर रहे थे कि गैस आ जाए तो फिर हम दोपहर का खाना बना सकें। लेकिन सिलेंडर है हमारे पास, और सिलेंडर पे मैंने दाल तो बना ली थी। आज के मेन्यू में हमने दाल चावल और साथ में थोड़ा सा आलू के पकौड़े बनाए हैं, क्योंकि बच्चे भी और बड़े भी, तमाम लोग ही दाल के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कुछ ना कुछ दाल के साथ में ज़रूर हो, कोई कबाब हो, आलू के कबाब हो, या आलू के पकौड़े, या कुछ भी साथ में ज़रूर हो। तो चलें, मैं आपको दिखाती हूँ। और जी, ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एक टैबलेट में लगा हुआ है, एक लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, और ये मेरे बेटे के एनिमल्स हैं। उसको बहुत शौक है एनिमल्स से खेलने का, तो ये उसने अपने एनिमल्स जो हैं यहाँ पे सजा के रखे हुए हैं। और टाइम तकरीबन, हाँ जी, टाइम हो गया है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो बस अब हम जो हैं वो खाने की तलफ, खाना खाने लगे हैं। ये जी, क्या टाइम हो गया जी? तो बस ये कपड़े हमने अपने रेडी करके रख लिए हैं, और हमने जो है वो इबादत के लिए बस अब थोड़ी देर में तैयार होंगे खाना खाकर। और ये रही हमारी दाल, शायद शेडो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये हमारी दाल है, और ये मैं साथ में कुछ आलू के पकौड़े बना रही थी, और चावल मेरे बन रहे हैं यहाँ पर, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, और ये थोड़े से और आलू के पकौड़े बन रहे हैं जी। तो खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे, और अब टाइम आ गया है कि हम रेडी हो जाएं चर्च के लिए। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, और हमारा चर्च जो है वो 6:30 बजे का है। तो बस अब हम रेडी होने हैं, और फिर हम आपसे चर्च में मिलते हैं। और अनायरा रेडी हो गई है, और ये अनायरा कहाँ जा रही हो, बता तो दो। जी, तो चर्च जाने के लिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और वो पीछे जो आपको सारा खिलारा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, ये वही है जब कहीं आप जाते हैं तैयार होते हुए, तो तैयार होते हुए जब घर फैला के जाते हैं ना, ये वही वाला बात है। तो बस अब हम चर्च के लिए रेडी हो चुके हैं, चर्च जा रहे हैं, और फिर अब आपको वहाँ पर चर्च में जाके मिलते हैं। इबादत ख़त्म हो गई है, और अब बस हम घर की तरफ जा रहे हैं। चर्च से वापस आ गए थे, और आके हमने चाय वगैरह पी ली है, खाना वगैरह खा लिया है, और अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तकरीबन 10 बज रहे हैं। और इसी के साथ मैं अभी अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और आपसे एक नई वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।